हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशन टेक्निकल क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूं। बहुत स्टूडेंट्स का कंप्लेन आ रहा था कि वीडियो नहीं बन रहा है सर, तो आज ये आप लोग के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है इल्यूमिनेशन। हिंदी में आप लोग उसे प्रदीप्ति भी कहते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में मज़ा आएगा। और मेन बात है कि लगेगा कि इसे देख रहे हैं समझ में आएगा ये। और खास करके अभी जिसका फाइनल एग्जाम होने वाला है या अभी यूपीपीसीएल का एग्जाम देंगे जो टेक्नीशियन का, उसके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, शुरू में दिक्कत होगा क्योंकि टर्म वगैरह थोड़ा सा दिक्कत है समझने में, लेकिन जैसे ही आप शुरू का टर्म वगैरह समझ लेंगे आगे आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा पहले बेसिक इसका जान लेते हैं। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति जैसे ही बोलेंगे तो लाइट से रिलेट सीधा कर देना इस चीज को। प्रकाश हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में शायद पढ़े होंगे, तो प्रकाश अगर पूछते हैं कि क्या है लाइट, तो लाइट एक तरह का क्या एनर्जी है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, सब कोई को पता है। और प्रकाश में अगर हम लोग सूर्य का प्रकाश लेकर के चले तो उसमें 7 रंग हम लोग जान रहे होता है, ये सब सबको पता है। और अगर पूछ दे कि प्रकाश का स्पीड कितना है, लाइट का स्पीड, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होता है। और यही स्पीड करंट का भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट का भी स्पीड क्या है? यही है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बेसिक चीज क्या है कि हमको कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है, तो कहीं से जो लाइट आता है उस वस्तु से टकराता है, फिर वो मेरे आंख पर आता है जिससे कि हमको वो वस्तु दिखाई देता है। ये सब चीज सब कोई को पता होगा, उम्मीद करते हैं। हम लोग आगे मेन फोकस करेंगे इस टॉपिक पर, इल्यूमिनेशन पर। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन में है क्या? सबसे मेन चीज देखिए कि अगर हम लोग लाइट कहीं से, कोई एक जगह तो होगा जहां से लाइट आ रहा होगा, सूर्य है तो वहां से लाइट आ रहा होगा, अगर कोई बल्ब है तो वहां से लाइट आ रहा होगा, लैंप है, कुछ भी चीज है तो वहां से लाइट, एक यानी कि मेरा प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, लाइट सोर्स होना ही होना है। मान लिए कोई लाइट का सोर्स है यहाँ पे, ठीक है, लाइट का ये सोर्स है मेरा, यहां से मेरा क्या हो गया कि लाइट जा रहा है इस तरह से, मेरा लाइट जा रहा है। तो जो ये लाइट जा रहा है तो इसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारा इस तरह से बहुत सारा किरण आपको दिखाई देगा, रे आपको बहुत सारा दिखाई देता है। ये किसी न किसी एक प्लेन पर जाएगा, तल पर जाएगा, है ना। अगर कहीं से लाइट निकल रहा है तो किसी कोई सोर्स से निकल रहा है तो कोई एक प्लेन तल पर वो टकराएगा, इस तरह जाएगा उस पर। मान ली यहां से हम इस पर फोकस दे रहे हैं, ये लाइट से जो है मेरा बहुत सारा क्या होगा, रे निकलता है, निकलता है ना, बहुत सारा क्या होता है, रे निकलता है, प्रकाश का किरण इस तरह से निकलते रहता है। तो ध्यान से सुनिए यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, इस तरह से जो मेरा ये प्रकाश का रे निकल रहा है ना, ये जितना भी रहेगा ये प्रकाश का किरण, इसको अगर हम लोग मिला दें तो ये मेरा कहलाता है प्रदीप्ति पुंज, इंग्लिश में ल्यूमिनस फ्लक्स। क्या बोले हम? ये जो प्रकाश किरण है इसी के कुल संख्या को हम लोग एक तरह से क्या कह रहे हैं, प्रदीप्ति पुंज या ल्यूमिनस फ्लक्स, है ना, ल्यूमिनस फ्लक्स कह रहे हैं या प्रदीप्ति पुंज कह रहे हैं, प्रदीप्ति पुंज कह रहे हैं। स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो, प्रदीप्ति पुंज या ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं, यही कहते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स या प्रदीप्ति पुंज हिंदी में कहें। इसको डिनोट किससे कर रहे हैं, एफ या फाइ से, एफ या फाइ से इसको हम लोग डिनोट करते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स को, एफ बोलिए या फाइ बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रदीप्ति पुंज या ल्यूमिनस फ्लक्स क्या हो गया कि वो जो प्रकाश का किरण है, लाइट से जो रे निकल रहा है, उसके टोटल नंबर को ही हम लोग कह रहे हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, जिसे कि फाई या एफ से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर पूछ दे इसका कि इसका यूनिट क्या होगा, ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा,
तो ल्यूमेन होता है इसका मात्रक। मात्रक क्या होगा इसका? ल्यूमेन होगा। इसको ल्यूमेन LM से लिखते हैं, ठीक है। इसे हम लोग ल्यूमेन LM से भी लिखते हैं, है ना। मात्रक इसका क्या हो गया? ल्यूमेन। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अगर बात करें अब हम लोग की प्रदीप्ति आखिर क्या है, इल्यूमिनेशन है क्या, तो इल्यूमिनेशन क्या है देखते हैं हम लोग। तो इल्यूमिनेशन अब हम लोग को देखना है, ल्यूमिनस फ्लक्स तो देख लिए, फ्लक्स जो वो रे जा रहा था उसी के टोटल नंबर को मापा है। तो इल्यूमिनेशन क्या है कि देखिए, अगर कोई भी यहां से लाइट का सोर्स होगा, यहां से लाइट जा रहा होगा, मान लीजिए इस पर लाइट पड़ रहा होगा, ठीक है, ये कोई प्लेन है, तल है, और ये क्या है, लाइट का सोर्स है, यहां से सोर्स है, ये जा रहा है लाइट, यहां से इस तरह लाइट उस पर पड़ा। अब कोई तल है तो उसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, कोई ना कोई एरिया होगा, एकदम क्लियर बात। यहां से जो जा रहा है मेरा, वो क्या जा रहा है, फ्लक्स जा रहा है, उसको हम लोग फाई या एफ से लिख सकते हैं। तो इल्यूमिनेशन कहता क्या है, कहता है अगर किसी लाइट सोर्स से किसी एरिया पर उतना ल्यूमेन, कुछ भी ल्यूमेन फ्लक्स पड़ता है तो वही जो है मेरा क्या कहलाता है, प्रदीप्ति, इल्यूमिनेशन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि मान लिए ये मेरा कोई एरिया था, इस एरिया पर जितना ल्यूमेन फ्लक्स, जितना भी ल्यूमेन फ्लक्स पड़ेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, प्रदीप्ति, इल्यूमिनेशन। एक बल्ब है, उस बल्ब के द्वारा जितना बड़ा एरिया तक उसका लाइट जाएगा, सीधा सीधा एकदम सरल भाषा, एक बल्ब के द्वारा जो लाइट निकल रहा है, रे निकल रहा है, वो जो है फ्लक्स निकल रहा है, जितना फ्लक्स मेरा निकलेगा, जो एरिया मेरा कवर कर रहा है, उस एरिया पर जितना फ्लक्स पड़ेगा वो क्या कहला रहा है, एक तरह से मेरा इल्यूमिनेशन। जैसे कि सिंपल सा बात, और सबसे पहला बात है, इल्यूमिनेशन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, इल्यूमिनेशन को ई से डिनोट करते हैं। क्या बोले कि जितना फ्लक्स मेरा उस एरिया पर पड़ेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, इल्यूमिनेशन, ठीक है ना। यहाँ पे एफ भी लिख सकते हैं, फाय है, एफ है, कुछ भी है, मतलब ये ल्यूमिनस फ्लक्स है और ये क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है। उस क्षेत्रफल पर जितना मेरा ल्यूमिनस फ्लक्स जाएगा, यानी कि वो फ्लक्स पर यूनिट एरिया मेरा क्या कहला रहा है, ये इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति कहला रहा है। क्लियर है? अगर हमसे पूछे कि नहीं इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति का मात्रक क्या है, तो इसका क्या हो रहा था, फ्लक्स का ल्यूमेन, ल्यूमेन हो रहा था, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट हो गया, इल्यूमिनेशन का, जिसको कि ई से डोनेट करते हैं, ठीक है। इसका एक और मात्रक है, इसी ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर को लक्स कहते हैं। अगर पूछे कि एक लक्स कितना होगा, एक लक्स इक्वल टू 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग लक्स भी कहते हैं। साबुन नहीं समझना है, ये यूनिट है, ठीक है, ये ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग लक्स कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, इल्यूमिनेशन। ई क्या हो गया, इल्यूमिनेशन हो गया, यानी कि जितना भी फ्लक्स रहेगा उस एरिया पर पड़ रहा है तो वही दोनों का क्या हो गया, रेशियो ही क्या कहलाता है मेरा, इल्यूमिनेशन कहलाता है, उसका मात्रक ये है। दोनों को ही लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम लोग क्या होता है। अब नेक्स्ट टर्म आता है प्रदीप्ति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगा, सिंपल सा बात है। अब देख रहे हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी हिंदी में अगर बात करें तो तीव्रता कहते हैं, हिंदी में इसका तीव्रता, प्रदीप्ति तीव्रता बोले, प्रकाश तीव्रता बोले, ज्योति तीव्रता बोलता है, बहुत सारा बुक में अलग अलग हिंदी में नाम है।
इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिंपल सा है कि अगर कोई यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, यहां से लाइट जा रहा है, हो सकता है वो लाइट किसी एंगल पर जाए, हो सकता है वो लाइट किसी एंगल पर जाए। मान ली यहां पर हमको लाइट जा रहा होगा, तो हो सकता है कोई एंगल पर भी जाए, यहां पे कोई 10 डिग्री, कोई 20 डिग्री पर जाएगा, कोई 30, कोई तिरछा जा रहा है, तो एंगल होगा ही होगा, कोई 90 पे भी जा सकता है। समझ में आ रहा है ना कि किसी न किसी एंगल पर, अगर कोई भी एंगल पर अगर वो फ्लक्स जा रहा है, याद रखना है, एकदम सिंपल सा भाषा में हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई फ्लक्स मेरा अगर वो किसी एंगल पर जा रहा है तो वो कहलाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वो क्या कहलाएगा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाएगा। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का अगर बात करें हम लोग, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बात करें अगर हम लोग, तो वो जो एंगल पर जाता है, जो बोल रहे एंगल, उसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल, हिंदी में ठोस कोण। वो जो एंगल का बात करते हैं हम लोग, वो कहलाता है यहाँ पे ठोस कोण, सॉलिड एंगल। इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल का मात्रक क्या हो गया, स्टेरेडियन हो गया। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या बोले, अगर वो किसी एंगल पर जा रहा है, वो एंगल मेरा यहाँ पे क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। तो वो एंगल पर अगर मेरा जा रहा है किसी प्लेन पर, तल पर, तो समझ जाना है कि वो किसका बात कर रहा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बात कर रहा है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला सीडी, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो मात्रक होता है वो होता है मेरा कैंडेला। और अगर पूछेगा ठोस कोण, ठोस कोण सॉलिड एंगल का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है मेरा स्टेरेडियन। तो तीन चीज देख रहे हैं हम लोग, एक देखे हम लोग ल्यूमिनस फ्लक्स, एक हम लोग क्या देख रहे हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स मतलब समझ जाना है कि वो जो मेरा रे निकल रहा है, प्रकाश का किरण निकल रहा है, उसी के कुल संख्या को, टोटल नंबर को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स कह रहे हैं। उसे एफ या फाई से डिनोट करते हैं और उसका यूनिट ल्यूमेन होता है। क्लियर। दूसरा है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या हो गया, इल्यूमिनेशन हो गया मेरा कि अगर कहीं से लाइट किसी एरिया पर पड़ रहा है, वो जितना फ्लक्स पड़ेगा दोनों का रेशियो को ही हम लोग क्या करें, इल्यूमिनेशन, यानी कि ई इक्वल्स टू, ई से हम लोग इल्यूमिनेशन लिखते हैं, ई इक्वल्स टू फाई या एफ बटा ए हो गया। इसका यूनिट क्या हो गया, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग लक्स भी कहते हैं, एल यू एक्स। तीसरा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता भी कहते हैं इसको हिंदी में, प्रदीप्ति तीव्रता भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये है कि अगर किसी एंगल पर जा रहा है तो वो एंगल पर जो उस तल पर पड़ रहा है लाइट, वही मेरा कहलाता है ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला, जिसको कि सीडी से कहते हैं। और वो जो एंगल है मेरा, वो एंगल मेरा सॉलिड एंगल होता है, ठोस कोण होता है, और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं प्रदीप्ति के नियम, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। प्रदीप्ति का दो नियम है, प्रदीप्ति के लिए दो नियम दिया गया, जिसमें पहला नियम अभी हम लोग देख रहे हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, पहला नियम। दूसरा नियम इसके बाद देखते हैं। तो दो नियम है, पहला है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, मान ली ये कोई प्लेन है, प्रकाशित तल है जिस पर लाइट आएगा। ठीक है, और ये क्या है मेरा, यहां से लाइट जाने वाला पॉइंट है, मान ली ये पी है। ठीक है, यहां से मेरा लाइट जाएगा, और ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब ये जो तल है, प्लेन है, इसका और इस लाइट सोर्स के बीच का डिस्टेंस जो है मेरा, ये मान लिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा डी। ठीक, ये हो गया मेरा डी, और यहां से मेरा लाइट जा रहा है, मान लिए ये जो लाइट है गया, मान लिए ये ए पॉइंट। ठीक है, यहां से मेरा क्या है, प्रकाश का स्रोत है, लाइट का सोर्स है, ये मेरा क्या है, प्लेन है, प्रकाशित तल है, और ये दोनों के बीच का, प्लेन और सोर्स के बीच के का जो दूरी है, डिस्टेंस, उसको हम लोग किससे लिखे हैं, डी से लिखे हैं। और यहां से ये मेरा क्या है, पी ए, यहां से प्रकाश का किरण है, लाइट है, वो उस पर जा रहा है। तो कहता क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ, कहता है कि किसी प्रकाशित
बिंदु से, प्रकाश बिंदु से जहां से मेरा लाइट का सोर्स है, जो वो लाइट जा रहा है किसी प्रकाशित तल पे, यानी कि उस प्लेन पर जिस पर कि मेरा लाइट जाना है, उसके मतलब लाइट, फिर से समझिए कि कोई बिंदु है यहाँ से, कि यहाँ से जो लाइट मेरा जा रहा है वहां से जाने वाला प्रदीप्ति, प्रदीप्ति को हम लोग किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं ना, प्रदीप्ति को किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं, कि किसी पॉइंट से, किसी पॉइंट से, ये पॉइंट कौन सा है, पी है, जहां से मेरा लाइट जा रहा है उस पॉइंट से जाने वाला प्रदीप्ति ई जो होगा वो उस पॉइंट और उस प्लेन के बीच के डिस्टेंस यानी कि दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, ई जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा, जहां से मेरा पॉइंट से लाइट जा रहा है और उस तल के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा और प्रदीप्ति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी के समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लिख रहा है समझ में आ जाएगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बट डी स्क्वायर, कहना ये चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, कहना चाह रहा है कि किसी में, किसी बिंदु से, कौन सा बिंदु, जहां से मेरा लाइट का सोर्स है, अगर उस सोर्स से मेरा प्रदीप्ति जो है जा रहा है किसी तल पर, तो उस दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और उसके इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कौन, ये इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति ई। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ, ये डी क्या है, डिस्टेंस है, अगर मान ली यहां से यहां तक का दूरी, यहां मेरा लाइट पड़ना था, यहाँ पर क्या है, ये प्लेन है, यहाँ पे लाइट पड़ना था और यहाँ से मेरा ये मान लिए टॉर्च है, यहाँ से लाइट दिए, यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी मान लिए कितना है, 2 मीटर है, मान लिए है 2 मीटर है, तो कहता क्या है कि यहाँ से जो प्रदीप्ति होगा वो प्रदीप्ति जो होगा इसके बीच के दूरी के स्क्वायर में होगा, यानी कि अगर डी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नीचे 4, ये इस तरह से ई हो गया, सुनना रहा है, यानी कि जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा वो उसके स्क्वायर में इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने लगेगा प्रदीप्ति के। इसका मतलब ये हुआ कि प्रदीप्ति यहाँ पर क्या होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होते जाएगा उतना कम लाइट होते चले जाएगा, वही तो, लाइट कितना कम होगा उसके स्क्वायर से, स्क्वायर खत्म होने लगता है, 2 है तो सोचें क्या हो गया, यानी कि 4 का अंतर पड़ गया, 4 मीटर रहता तो इसका मतलब स्क्वायर 16 मीटर का हो गया बात, वहां पर यही हो रहा है, यही चीज कहना चाह रहा है कि अगर किसी प्रकाश बिंदु से किसी तल पर अगर हम यहां से लाइट दे तो उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उसके तीव्रता इंटेंसिटी के समानुपाती होता है, कौन, तो ये होता है प्रदीप्ति। इससे सवाल भी पूछा जाएगा जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग दूसरा नियम देखते हैं, तो अब हम लोग सेकेंड लॉ देख रहे हैं। सेकेंड लॉ क्या है, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, लैम्बर्ट का कोसाइन का नियम है, सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ में हम लोग क्या देखे थे, फर्स्ट लॉ कह रहा था ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई बटर डी स्क्वायर, ये कह रहा था, याद रखिएगा, ये पहला से हम लोग को मिला है। दूसरा क्या है, दूसरा वही बात है कि ये एक प्लेन है, तल है, और ये P क्या है, एक पॉइंट है ना, जहां से मेरा लाइट का सोर्स है, यहीं से लाइट जाएगा, और ये जो है मेरा एंगल दिख रहा है यहाँ पे थीटा, ठीक है, ये AB क्या हो गया, मेरा प्लेन है, PA क्या हो गया, यहीं से ये किरण है एक तरह का, यहीं से लाइट जा रहा है, और ये क्या है मेरा एक तरह का, PB क्या है, नॉर्मल है, अभिलंब जिसको कहते हैं, ये क्या है, नॉर्मल या अभिलंब, तो किरण और अभिलंब यानी कि PA और PB के बीच क्या कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो कहता क्या है लैम्बर्ट्स का, यानी कि किसी प्रकाशित सोर्स, किसी प्रकाश सोर्स से किसी प्रकाशित तल पर जाने वाली प्रदीप्ति ई इल्यूमिनेशन, वो प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच के कोसाइन कोण के समानुपाती होता है, मतलब ई समानुपाती कॉस थीटा।
क्या बोले बोले क्या कि किसी प्रकाश सोर्स से, किसी लाइट के सोर्स से किसी प्लेन पर प्रकाश तल पर जाने वाली प्रदीप्ति, प्रकाश किरण और अभिलंब यानी कि नॉर्मल, ये जो पीवी डिस्टेंस दिख रहा है उसके बीच के कोसाइन कोण के समानुपाती होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा हो गया, यानी कि यहाँ पे ये हो गया मेरा दूसरा नियम से। अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला दे तो देखिए तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला बनेगा, आई बाय डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। एक ही में दोनों चीज आ गया, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाय डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। पहला नियम कह रहा था ई समानुपाती आई बाय डी स्क्वायर, दूसरा नियम कह रहा ई समानुपाती कॉस थीटा। डी क्या हो जा रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस दूरी है यहाँ पे, याद रखिए। आई क्या है, इंटेंसिटी है, तीव्रता है। ई क्या है, इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन है। और थीटा क्या है, एंगल है, ये जो लाइट जिस एंगल पे गया है और ये जो इस पर इस तरह से एंगल से जो गया है वही है मेरा थीटा, और वो उसके साथ कॉस ले लिए तो वो कॉस थीटा हो गया। तो ये दो नियम है मेरा, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, आज का मेरा यही वीडियो समाप्त करेंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो, फिर हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे इसके आगे। ये था मेरा बेसिक, ये है बेसिक। अगर ये बेसिक आज हम लोग समझ जाएंगे तो इसके आगे हमको समझने में फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा आज दिक्कत होगा समझने में, आपको अगर दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तब तक आप लोग घर में रहिए, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड पार्ट का जो वीडियो आएगा उसमें अब हम लोग मिलेंगे। आप लोग को नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का मिल सके। ओके, फिर मिलते हैं।